लीवर शरीर को स्वस्थ रखने के लिए एक जरूरी अंग है, जिसका काम खून में अमीनो एसिड को रेगुलेट करना, ग्लूकोज लेवल को बैलेंस करना, ग्लूकोज को ग्लाइकोजल में बदलना, ब्लड क्लॉट को मैनेज करना, सिस्टम से दवाओं और अन्य विषाक्त पदार्थों को निकालना, इन्फेक्शन से लड़ने के लिए इम्यून सिस्टम को मजबूत बनाना, खून से बैक्टीरिया को साफ करना और RBC द्वारा निर्मित एक्स्ट्रा बिलिरुबिन को हटाना। जाहिर है लीवर में किसी भी तरह की खराबी इसके काम काज को प्रभावित कर सकती है। लीवर के खराब होने से आपको थकान, पेट दर्द, पीलिया, ब्लीडिंग, एडिमा, दिमागी कामकाज में कमी, किडनी खराब होना, उल्टी, पाचन तंत्र खराब होना और नींद नहीं आना जैसी गंभीर समस्याएं हो सकती हैं। आप जो भी खाते पीते हैं उससे लीवर में विषाक्त पदार्थ जमते रहते हैं। यह गंदगी लीवर को खराब कर सकती है। यही वजह है कि एक्सपर्ट समय समय पर लीवर की सफाई यानी डिटॉक्स करने की सलाह देते हैं। तो चलिए मैं आपको लीवर की सफाई के कुछ आयुर्वेदिक तरीकों के बारे में बताती हूँ। तो आपको बता दें कि लीवर को साफ और मजबूत बनाने के लिए आपको नीम के पत्तों, त्रिफला और मेथी के बीजों का सेवन करना चाहिए। इससे लीवर के विषैले पदार्थों को शरीर से निकाला जा सकता है। साथ ही आपको बता दें, आयुर्वेदिक चिकित्सक में पंचकर्म का बड़ा स्थान है और यह लीवर को शुद्ध करने के लिए बहुत प्रभावी उपचार माना जाता है। इस उपचार में मसाज, स्नान, विरेचन, नस्या और रक्त शुद्धि की प्रक्रिया शामिल है। खाने की बात करें तो आयुर्वेदिक आहार अपनाने से लीवर के स्वास्थ्य में सुधार हो सकता है। इसमें करेले और पालक जैसे कड़वे तीखे खाद्य पदार्थ खाना आदि शामिल है। ये चीजें लीवर को साफ और स्वस्थ बनाती हैं। बता दें कि आयुर्वेद में कई जड़ी बूटियों का उपयोग लीवर को स्वस्थ बनाए रखने के लिए किया जाता है, जैसे कि भीमा, मलाकी, अर्जुन और कुटकी। इनका इस्तेमाल करने के लिए आपको एक्सपर्ट से मदद लेनी चाहिए। साथ ही हर्बल टी लीवर के लिए स्वास्थ्य बनाए रखने में मदद कर सकती है। इसके अलावा लहसुन और प्याज में कई आयुर्वेदिक औषधीय गुण होते हैं जो लीवर को स्वस्थ रखने में मदद कर सकते हैं। आप इन्हें अपने खाने में शामिल कर सकते हैं। इस टिप्स पर आपकी क्या राय है हमें कमेंट्स करके बताइए। ऐसी ही और टिप्स के लिए आप देखते रहिए जनभावना चैनल।